अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स क्या है, इसको कौन कौन सी फसल पर देना उचित है, इसका प्राइस क्या है और क्या हम बुआई के समय इसको प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्राइस के साथ साथ हम बात करेंगे कौन सी फसलों पर सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप अपनी फसलों पर 20-20-0-13 का प्रयोग करते हैं। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स यानी अमोनियम क्या है, देखिए नाइट्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं जैसे अमाइड्स, अमोनियम और नाइट्रेट, उन्हीं में से एक है अमोनियम और फास्फेट यानी फास्फोरस और सल्फेट यानी सल्फर की इसमें मात्रा है। 20-20-0-13 एक ऐसी खाद है जो आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आगे जो हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कृपया वीडियो को ध्यान से समझिए और सुनिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों, अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स यानी 20-20-0-13 है, इसमें कंटेंट क्या है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 20%, टोटल फास्फेट की मात्रा है यानी फास्फोरस है इसमें 20% और अमोनियम फास्फेट की मात्रा है यानी P2O5 20% और घुलनशील फास्फेट है 17%, सल्फर की इसमें मात्रा है 13%। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स, अमोनियम की जो मात्रा है 20%, फास्फोरस की मात्रा है 20% और सल्फर की इसमें मात्रा है 13%। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स घास वाली फसलों पर और जड़ों वाली फसलों पर सबसे विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स है, जो नाइट्रोजन है इसमें अमोनियम फॉर्म में है, तो विशेष प्रकार पत्ते को हरा करता है यानी जो अमोनियम फॉर्म है यह नाइट्रेट में रूपांतरित होकर हमारी फसलों पर बहुत ही तेज़ी से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, पत्ते को हरा करता है, क्लोरोफिल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है और वनस्पति की ग्रोथ बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा एक अभिन्न हिस्सा निभाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें फास्फोरस भी है जो जड़ों को मजबूत करता है और नए जड़ों का निर्माण करता है, तनों को मजबूत करता है और साथ ही साथ द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का निर्माण करने में, रिश्तेदार जड़ों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। इसमें सल्फर की भी मात्रा है जो क्लोरोफिल की मात्रा में वृद्धि करता है और फल फूल की संख्या को बढ़ाता है, साथ ही ग्रोथ बढ़वार और पौधे को भोजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है और गर्मी पर हाई टेम्परेचर पर पौधे की गुणवत्ता बनाए रखता है, हाई टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर की दशा पर, यानी जो प्लांट होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स प्याज की फसल पर, गन्ना, लहसुन, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों पर काफ़ी ज़्यादा हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में, तो आपको बुआई के समय, जैसे आप बुआई के समय DAP पोटास खाद का प्रयोग करते हैं, NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप बुआई के समय प्रति एकड़ 1-2 बैग यानी 50 किलोग्राम से लेके 100 किलोग्राम के आसपास एक एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का फॉर्म है, फास्फोरस है लेकिन पोटास नहीं है और चौथा पोषक तत्व है सल्फर। अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को बुआई के समय तो प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही खड़ी फसलों पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लहसुन की फसल पर, प्याज की फसल पर और अन्य फसलों पर, आप खड़ी फसलों पर भी इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।